आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहां पे सर्कल का एक प्रॉब्लम दिया है, हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। यहां पे दिया है द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द सर्कल x2 + y2 = 9 एट द पॉइंट 1/√2, 1/√2। तो हमें यहाँ पर नॉर्मल का इक्वेशन ढूंढना है। तो नॉर्मल का इक्वेशन ढूंढने के लिए हमें उसका स्लोप चाहिए। तो नॉर्मल का स्लोप का फॉर्म होता है -dx/dy। और अगर हमें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पर ढूंढने के लिए बोला गया है तो हम जेनाइन फॉर्म लेते हैं। तो किसी भी पॉइंट दिया है एच के, तो अगर एच के पॉइंट पे हमें स्लोप ढूंढना है तो ये फॉर्म हो जाएगा -dx/dy @ht। तो हम यहाँ पर इसको एज्यूम कर लेते हैं कि इसका वैल्यू a आएगा। तो हमें जो नॉर्मल का इक्वेशन मिल जाएगा वो नॉर्मल का इक्वेशन का फॉर्म होगा y-k = a×x-h। ये हमारा फॉर्म हो जाता है h के पॉइंट पे लिए। अब यहाँ पर क्या दिया है, हम नॉर्मल ढूंढना है इस कर्व के लिए x2 + y2 = 9। किस पॉइंट पे ढूंढना है, 1/√2, 1/√2। तो ये आर्बिट्ररी पॉइंट है h के की तरह। तो हमें पहले क्या करना होगा, यहाँ पर जो इक्वेशन हमें मिला है इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y। तो हमें dx/dy का वैल्यू मिलना चाहिए। तो हम पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो x2 के लिए 2x मिलेगा, पर क्योंकि y की रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो चेन रूल अप्लाई करके हमें dx/dy मिलेगा। फिर y2 का डेरिवेटिव 2y देगा और 9 का डेरिवेटिव 0 मिलेगा। अब हमें यहाँ पर dx/dy ढूंढना है, तो dx/dy का वैल्यू आ गया यहाँ पे 2y राइट साइड पे जाएगा, मतलब -2y/2x। तो वैल्यू मिला -y/x। अब हमें -dx/dy का वैल्यू ढूंढना है h के पॉइंट, मतलब 1/√2, 1/√2 पॉइंट पे। तो हमें क्या मिलेगा, माइनस पहले ले लेते हैं, -dx/dy का वैल्यू हो गया y/x। अब यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट 1/√2 के लिए हमें ढूंढना है, तो -dx/dy का वैल्यू 1/√2, 1/√2 पे ढूंढना है। x और y दोनों का वैल्यू सेम है तो y/x का वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब जो स्लोप का वैल्यू है m हमने लिया था उसका वैल्यू हो गया 1। अब हमें इस इक्वेशन में इसको पुट करना है, तो 1/√2 के लिए पुट कर रहे हैं हम। तो y -1/√2 = 1 × x − 1/√2। तो यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्यूशन लेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें यहाँ पर मिलेगा y − 1/√2 = x − 1/√2। तो इक्वेशन क्या मिला, y = 1। तो ये हो गया नॉर्मल का इक्वेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मिला था y = x, यहाँ पर दिया है x − y = 0, मतलब x = y। तो ये ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। हम इधर ले आएंगे y को राइट साइड पे, तो मिलेगा x − y = 0। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।